Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convenor in Indian Medical Association. आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही important component होता है. ये जो video है ये उतना patient के लिए important नहीं है, लेकिन हाँ patient भी देख सकते हैं, उनको भी इससे फायदा होगा. But mainly ये doctors के लिए important है, चाहे वो general practitioner हो चाहे किसी भी branch का specialist हो. मैं mostly content ENT related बात करूंगा क्योंकि मैं ENT surgeon हूँ, but ये बाकी branch के लोग भी replicate कर सकते हैं with adequate modification. सबसे पहले जो एक चीज़ होती है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पेशेंट्स, और जो ENT जैसी ब्रांच है जिसमें हियरिंग लॉस, एज ऑनसेट हियरिंग लॉस के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, या कैंसर ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी वाले आते हैं जो बोल नहीं पाते, अल्सर वाले पेशेंट आते हैं जिनको बोलने में दर्द होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं, ये या तो बोल नहीं पाएंगे या तो हियरिंग लॉस वाले पेशेंट होते हैं जो सुन नहीं पाते. ऐसी बीमारियां होती हैं, एकाउस्टिक न्यूरोमा होता है जिसमें सुनने में पेशेंट के लॉस होने लगता है, और एज ऑनसेट हियरिंग लॉस, नॉइज ऑनसेट हियरिंग लॉस, ये सब होने लगता है. तो इन पेशेंट्स में बहुत चैलेंजिंग होता है कम्युनिकेट करना. तो हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए? सबसे पहले आपको पता होगा, आपने बीइंग अ डॉक्टर आपने अपनी PSM की क्लासेस में पढ़ी होगी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस. सो एक तो बोल के कम्युनिकेशन हो सकता है, एक हो सकता है लिख के, एक होता है इशारों से. तो आपको ENT ब्रांच में काम करने के लिए तीनों का एडिक्वेट इस्तेमाल करना होगा. अपने आप को अपडेटेड रखें, न्यू चेंजेस, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखना है, ये बहुत इफेक्टिव होता है. कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे, फॉरेन नेशनल आएंगे, जिसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ आती और वो इंग्लिश भी नहीं समझ आता, तो ये चैलेंजिंग होता है. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कम्युनिकेशन के लिए. कई पेशेंट होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, बीइंग अ डॉक्टर स्पेशली इन ENT डिपार्टमेंट, आप वायरलेस माइक आते हैं जो आप अपने बेल्ट पे क्लिप कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस लाउड स्पीकर बेसिकली. पोर्टेबल टाइप ही आता है जो आप माइक यहाँ अपने एप्रन के कॉलर पे या शर्ट के कॉलर पे लगा सकते हैं, और उसका जो स्पीकर है लाउड स्पीकर वो क्लिप कर सकते हो. तो इससे आप धीरे भी बोलोगे, और प्लस क्या होता है, बहुत तेज़ तेज़ बोलने से हमारा भी थ्रोट पेन होने लगता है. सो ये जो, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में OPDs में डेली हमें 60-70 पेशेंट देखने होते हैं, तो वो जो चीज़ है इस पर हमें रिलीफ मिलता है धीरे धीरे बोल के, और काफ़ी फ़ायदे होते हैं. एक दो माइक्स जो मैं कॉमनली यूज करता हूँ लाउड स्पीकर, वो आप मेरे को पिंग करके वो पर्टिकुलर ब्रांड फॉलो कर सकते हैं. इसके साथ साथ एक तो ये हो गया जो ऊंचा सुनते हैं लोग, दूसरे कई लोग बोल नहीं पाते, तो आप हमेशा एक जो पेन आप यूज कर रहे हो उसके अलावा एक टेबल पे एक्स्ट्रा पेन रखो. जो पेशेंट ना बोल पाए, आपको लगता है ये लिख पाएंगे, तो उनसे बोला करो, आप एक पैड रखा करो, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रेगुलर देते रहते हैं वो पैड आप टेबल पे रखो, पेशेंट से लिखने को बोल दो. सो ये सब जो स्ट्रेटजी है ये आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा. आपका जो टाइम टेकन टू डायग्नोसिस, टाइम टेकन टू राइट प्रिस्क्रिप्शन, ये सब काफ़ी कम हो जाएगा. इसके साथ साथ जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपको उसमें जो आप एडवाइस लिखते हो, सबसे पहले तो उसको नंबर करो. क्यों नंबर करो? क्योंकि अगली बार आओगे तो वो आपका कम टाइम लगेगा. आप मेडिसिन बताओगे, अच्छा ये बीटाडीन गार्गल कंटिन्यू रखना, बाकी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है. सो हो सकता है पेशेंट भूल जाए, आप बोल दो 4 नंबर 5 नंबर की मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, तो आप सारे मेडिसिन की नंबरिंग कर लो अपने प्रिस्क्रिप्शन में, ये एक अच्छी आदत है. दूसरी चीज़, हमें पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इवन जो इलिटरेट होता है वो फोटो से समझ पाता है. और पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, ये एक लाइन है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत इजिली एप्लीकेबल है. तो आप क्या करो, बीटाडीन गार्गल को ग्लास बना दो, ग्लास. और जैसे अब होता है, हम बोलते हैं पेशेंट को एक ग्लास वाटर में 1 चम्मच मीठा सोडा डालना है, तो आप उसमें ऐसे फोटो से बना सकते हो, जस्ट अ रफ फोटो कि 1 ग्लास पानी एंड उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा. TDS, QID, BD, 2x, 3x, ये आप डॉट डॉट बना के मेडिसिन का डोजेस बता सकते हो. कई बार क्या होता है कि कई टैबलेट होते हैं, एक एक रात में हाफ लेना है, तो वो भी आप वैसे एडिक्वेट बता सकते हो. तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं. इसके बाद क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, हमें पेशेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कई प्रिस्क्रिप्शन के लिए, कई इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना होता है, फॉर्म बनाने के लिए भेजना होता है. सो हम बोलते हैं 443 या 443. सो 443 बोलने से अच्छा आप बेटर हैं बोले 443, ठीक है. और कोशिश करें कि पेशेंट्स को
हर इन्फॉर्मेशन एक स्लॉट में ना दे, ये इंपॉर्टेंट स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वहाँ क्या होगा, आप पेशेंट को एक स्लॉट में दे देंगे कि आप यहाँ से जाइए 4-4-3 में, वहाँ आप खून की जांच कराएं, खून की पर्ची बनवाएं और नीचे 19A में जांच कराएं। अगर आप ऐसे बोल दोगे तो कन्फ्यूज हो जाएगा, आपको बस उसे एक चीज़ बताना है, 4-4-3 में जाकर पर्ची बना, आगे वो बता देंगे। और वहाँ पे आपका जो भी स्टाफ है उसे प्रॉपरली एडिक्वेटली ट्रेन करो कि वो उसे पेशेंट को गाइड कर दे कि 19A में जाके खून की जाँच करानी है। और कोशिश करें, अपने कुछ कुछ हैबिट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने ओपीडी के सामने भी अपने ओपीडी टेबल पे भी लिख सकते हैं। जैसे आप सपोज करो ट्यूसडे फ्राइडे ओपीडी में बैठते हो, तो आप लिख दो ट्यूसडे फ्राइडे आए, वो ये लिख दें, आप उन्हें इशारा कर दें। बार बार आपको रिपीटेड बोलने से क्या होता है, इरिटेशन हो जाता है, प्लस हमारा गला भी दुखता है। सो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है कि आपको गला भी उसे स्ट्रेन एक्स्ट्रा नहीं लेना है। सो इन सब में आपको जो लिखी हुई बातें हैं जो आप पेपर पे लगा सकते हो कि आप मंगलवार शुक्रवार आना है, तो ये सब चीज़ें जो है। दूसरी चीज़ मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं कि काफ़ी उनके जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, अगर ENT का डॉक्टर है वो ENT के हिसाब से मॉडिफाइड होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, टर्शियरी केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ क्या होता है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन हर डिपार्टमेंट में फॉलो होता है। मतलब कि जैसे कि कौन सी रेडियोलॉजी यूज़ करनी है और कौन से जो सावधानी होती है, जैसे कि आप धूम्रपान का सेवन ना करें, आप बीटाडीन गार्गल कैसे करें, इन सब का फोटोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, जैसे ENT के प्रिस्क्रिप्शन में ENT रिलेटेड प्रिकॉशंस लिखी जा सकती है, और रेडियोलॉजी ब्लड इन्वेस्टिगेशन उसमें ENT रिलेटेड ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ENT रिलेटेड रेडियोलॉजी हम लिख सकते हैं, उसमें डॉक्टर पर टिक करें, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी टाइम बचेगा। संडे ओपीडी चलाने से ठीक है, अच्छी बात है, आप चला रहे हो, अच्छी बात है, रिसोर्सेज प्रॉपर अरेंज करके करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, लेकिन संडे ओपीडी से पहले ये सब भी बातें सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हमारा काफ़ी कुछ मतलब मैनुअल वर्क कर रहा है, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका जो इफेक्टिव काम है पेशेंट का डायग्नोसिस और इलाज उसमें उतना समय नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इन्हीं सब टाइम में उसे खून की जाँच में लिखने में पेपर में, तो उसमें आप ऑटो ये सब करो। और जब भी पेशेंट को नीचे काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, ENT के पेशेंट को ENT रिलेटेड प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, उसमें ये सब लिखाओ, जनरल सर्जरी वाले को जनरल सर्जरी, तो ऐसे क्या होगा, डॉक्टर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सरकार काफ़ी पैसे खर्च करके LED LCD स्क्रीन वगैरह लगाई है, वहाँ क्या करें, वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं, अलग अलग डॉक्टर्स जो वॉलंटियर हो, उनके वीडियोस प्ले कर सकती है, जिससे कि पेशेंट्स भी जब तक वेट करता है उसको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि पेशेंट किसी की बातें नहीं सुनता, पेशेंट केवल अपने डॉक्टर की बात सुनता है, ये चीज़ देखा गया है। आप कितने भी सेलिब्रिटी प्रधानमंत्री से कुछ भी बुलवा लो, पेशेंट की कंप्लायंस होती है वो नहीं सुनेगा, उसका डॉक्टर अगर वही चीज़ बताएगा तो वो जल्दी सुनेगा। तो आप कोशिश करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा वीडियो बना के डाला जाए, ये वॉलंटियर इंटरेस्टेड डॉक्टर वॉलंटियर कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। सो ये जो कुछ चीज़ें हैं उसको हम फॉलो करके पेशेंट से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर सकते हैं और हम सब इलाज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इफिशियंट बना सकते हैं। मुझे आशा है आप सबको ये बातें पसंद आएगी और आप अपने इलाज के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व करके देश में काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं। धन्यवाद।